नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में कितना खूबसूरत और यम्मी लग रहा है, जो कि कुछ हटकर बनता है। और ये मैं घर के सिंपल मसाले से ही बना रही हूँ, खाने में बड़ा ही टेस्टी है। तो मेरे वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो मैं किस तरह से भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी बना रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए और देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है जो कि 1 इंची की साइज़ में काट लिया है। तो प्याज को जब भी हम भिंडी दो प्याज़ा बनाएंगे तो प्याज को इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करना है, जो कि डाइस कटिंग करके इस तरह से प्याज की कली को अलग कर लेंगे और टमाटर को भी इसी तरह छोटे साइज़ में काट लेंगे। तो फिर फ्रेंड्स चलिए भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गर्म करने के लिए बैठा देंगे, उसके बाद तेल डाल देंगे। सबसे पहले कटिंग किया हुआ भिंडी को डीप फ्राई कर लेंगे। भिंडी में थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे जिससे कि भिंडी का कलर खराब नहीं होगा, काला नहीं दिखेगा। अब बचे हुए तेल में डाइस किया हुआ प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, जो कि हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाल करके नहीं फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी पका लेंगे। अब प्याज को भी बाहर निकाल देंगे। अब कढ़ाई में तेल डालकर अब इसमें मैं जीरा डालूंगी। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, इससे भिंडी की सब्ज़ी में टेस्ट ज़्यादा आती है। और कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। हरी मिर्च भी डाल दूंगी यहीं पे। प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर टमाटर भी डाल दूंगी। अब यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट दे रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार देंगे। हल्का सा पानी डाल देंगे, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगी। जीरा पाउडर, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमेटो सॉस भी डाल दूंगी 2 चम्मच। उसके बाद कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तेल भी निकल गया है। अब प्याज और भिंडी को ऐड कर देंगे मसाला के साथ। दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, धीमी आंच में पका लेंगे। यहाँ पर गर्म मसाला ऐड कर देंगे।
उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। रेसिपी कंप्लीट हो गई है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर